थायराइड ग्लैंड वो गले में सेंटर में ये पार्टनर हंगा, वो थायराइड हॉर्मोन्स बनाता उसको। तो ये थायराइड ग्लैंड में तरह तरह का बीमारियां है, वैसा तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट को कैंसर भी है। वो कैंसर में दो टाइप है, एक डिफरेंशिएटेड अब एक अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड में अंदर सेल्स पर एक ही रकम रंगा, अनडिफरेंशिएटेड में डिफरेंट डिफरेंट रकम रंगा। ये डिफरेंशिएटेड में दो मेन टाइप्स है, एक पैप्रिकॉसमा थायराइड, सेकेंड फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। तो सबसे कॉमन ऐसा कैंसर कौन सा, थायराइड में ऐसा कैंसर कौन सा पूछो तो वो पैप्रिकॉसमा थायराइड। वैसा सेकेंड सबसे कॉमन कौन सा पूछो तो वो फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, उसके बारे से आज का वीडियो। तो ये ज्यादा देर बायको में रहता सो और उनका एज ग्रुप जो है 40 से ज्यादा रहेगा, और ये टाइप फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा गर्भरोध का बाद सडन होकर बदल को ज्यादा एग्रेसिव टाइप होकर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को भी बदल सकता, पहले चो कैंसर इच और एग्रेसिव कैंसर को भी बदल सकता। ये आने का रीजन क्या, ये आने का रीजन क्या हो तो यूजुअली कौन सा एरिया में आयोडीन खाना में नहीं तो नमक में कम लेते से एरिया है कि वो एरिया में ये ज्यादा दिखता रहता सो कैंसर, वैसा वो एरिया में है तो आदमियों को ये कैंसर आने का चांसेस है। सेकेंड रीजन क्या तो ये पेशेंट पहले कब तो भी क्या तो भी एक मेडिकल रीजन से बहुत सीटी स्कैन से उठाए रहेंगे तो उनको रेडिएशन ज्यादा मिल जा रहा, वैसा है कि तो भी इनको ये कैंसर आने का चांसेस है। और लास्ट पहले का दो रीजन नहीं तो भी सेल के अंदर और उनका सेल के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर जीन बोल को है, वो जीन में सडन उसका अरेंजमेंट बदलगा तो उसे म्यूटेशन बोलेंगे, वैसे म्यूटेशन है को तो भी ऐसा कैंसर आने का चांसेस है। अब ये पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या रहेगा, बहुत सारा पेशेंट्स ये गला में कैसे की है एक सूजन है बोलकर फिजिशियन कहना चाहते, उन्होंने एक स्कैन था को ऐसा डल्ला है को हमारे पास भेजेंगे, वैसा नहीं कर तो एक ईएनटी से मिल को एक डल्ला रहने से वो डल्ला भी एक छो जर्रा थायराइड भी निकाल डालते ऑपरेशन करते, वो रिपोर्ट फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा रहते ही ज्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट है हमारे कहना आते। ये ऐसा छोड़ डाले तो बड़े वो कैंसर बढ़लो को आया तो खांसी रहने चांसेस है और आवाज बदलने चांस है, वैसा बढ़लो को गए तो गला में बड़ो खान होगा नहीं, स्टक को खड़े सी का रंगा वो भी नहीं, सांस लेने में तकलीफ होगा। हमें पेशेंट को एग्जामिन करते ही थायराइड में एक नोड्यूल रंगा, एक सूजन रंगा, कब तो भी रेयर हो को उसके नीचे का तरफ छोटे छोटा सूजन रहने का चांसेस है। तो ये हमें आपको स्टेज कर सकते इन्वेस्टिगेशन पूरा उठाया बाद तुम्हें कौन सा स्टेज में ही स्टेज वन की स्टेज टू की स्टेज थ्री की वो आपको फुल इन्वेस्टिगेशन का बाद यहाँ खाली नहीं ये टेम्पलेट में बताया सका। दूसरा कांति स्प्रेड होकर हो क्या ब्रेन लिवर किडनी बोन ये फुल देखे बाद एक स्टेजिंग है TNM स्टेजिंग बोलेंगे। तो उतना डिटेल होको मैं जाता नहीं, मेन होको पेशेंट को क्या क्या इंपॉर्टेंट की उन्हें कैसा मैनेज करना, वो क्या क्या उन्हें डॉक्टर्स कंसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन होता कॉम्प्लिकेशन में उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, तुम्हें क्या क्या कर सकते ये इतना भी तुम ना एक एक वीडियो होको मैं समझा दू। तो इतना डिटेल में रहने से मैं 5 वीडियो को उठाया हूं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट वीडियो तुम्हें देखो, नेक्स्ट वीडियो में इसका इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या क्या करना ये डायग्नोस करने का मैं समझाता हूं। आदाब।